नमस्कार। तो आपका पुनः हमारी इस पुस्तक श्रृंखला में स्वागत है। और पुस्तक जो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक हैबिट, आज उसके परिचय के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे जो लेखक हैं उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से सीख लेकर पुस्तक में जो बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई किया और कैसे छोटी छोटी आदतें डालकर उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने में मदद किया। सबसे पहले मुझे जो एक वाक्य याद आ रहा है इस पुस्तक का, वो ये कि जो हमारे लेखक हैं उन्होंने जब इस पुस्तक के बारे में लिखना चालू किया, अपने अनुभव अपनी आदतों के बारे में लिखना चालू किया, तो पहले उनके ईमेल पे कुछ कुछ एक सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन धीरे धीरे जो ईमेल की संख्या है वो पुस्तक लिखने तक लाखों करोड़ों में पहुंच गई। जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनके ईमेल के लाखों करोड़ों में पहुंच गए। तो इन छोटी छोटी आदतों को जो उन्होंने डाला अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए अप्लाई किया, वो सिर्फ उन्होंने उन लेखों में लिखे थे। और उन्हीं लेखों को पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगे और कहीं ना कहीं अच्छा खासा फेम इन अपने जो पुस्तक के रचयिता हैं जेम्स क्लियर, उनके लिए मिला। तो बिना किसी देरी के अब हम बात करते हैं कि पुस्तक की शुरुआत की कहानी क्या है। एक लड़का रहता है, उसके स्कूल में जब वो ग्राउंड पर जाता है तो अचानक से उसके नाक पर एक धड़ाम का बेसबॉल स्टिक आकर लगता है और उसकी जो नाक है वो पूरी तरह से यू शेप में आ जाती है, यानी कि अंदर के अंदर घुस जाती है और उसकी आंखों में बाहर आने लगती हैं और अच्छा खासा खून उस बच्चे की नाक से आंखों से निकलना प्रारंभ हो जाता है। यह सब देखकर उसके जो दोस्त रहते हैं वो उसके पास दौड़े दौड़े आते हैं और वो जिसमें वो बेसबॉल स्टिक लगा हुआ है वो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल चौकन्ना सा रह जाता है, बिल्कुल सन्न पड़ जाता है। तो उसे सिर्फ ये दिखता है कि उसके आसपास आ रहे हैं लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उसकी अपनी खुद की शर्ट निकालकर उस लड़के को थाम देता है ताकि वो उस आँख और नाक में जो खून निकल रहा है वह उसे बंद कर सके। तो ये कहानी की शुरुआत में होता है, यह जो किस्सा है वहाँ इसकी शुरुआत होती है। और ये जो बेसबॉल है वो कोई मन से नहीं मारता, बल्कि जो हमारे लेखक हैं वो बेसबॉल के खिलाड़ी हैं और बेसबॉल ग्राउंड पर जब वो थे तो उनका एक सहपाठी अच्छे खासे तरीके से बेसबॉल मारता है, लेकिन जो फुल पावर के साथ उसने बेसबॉल को मारा है तो उसका जो बैट रहता है बैट छूट कर उसकी नाक में लग जाता है और सीधा का सीधा लेखक उस परिस्थिति में आ जाते हैं जो हमने बात की। और इसके बाद क्या होता है, वहाँ के जो शिक्षक हैं वो जल्दी उसके पास आते हैं और थोड़ी दूर था लेकिन उसे अपने स्कूल के नर्स के पास ले जाते हैं और नर्स उसे प्राथमिक उपचार थोड़ा बहुत देती हैं और उससे कुछ सवाल पूछती है। हमारे जो लेखक हैं उनसे सवाल पूछती हैं कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है और भी दो तीन चीज़ें, समय क्या है। तो इसका जब लेखक सही जवाब नहीं दे पाते और आखिर में जब वो नर्स उस लेखक से, उस बच्चे से ये पूछती है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो वो अपनी माँ का नाम बताने में भी एक 10 सेकंड का पॉज लेते हैं। 10 सेकंड के पॉज के बाद वो अपनी माँ का नाम बताते हैं। तो यहाँ से उनकी स्थिति जो बेसबॉल स्टिक लगने के बाद हुई थी वो पता पड़ती है और फिर वहाँ से एक पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। पास के अस्पताल में उसे लड़के को देखने के लिए कम से कम 8 से 10 डॉक्टर आसपास आ जाते हैं। तो फिर जब स्थिति बहुत ही नाजुक दिखती है, उसकी आंखें बाहर लटक आती हैं, नाक से खून बह रहा होता है और एक समय ऐसा भी आता है कि हमारे जो लेखक का जो बचपन है उस समय वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो
नर्स उन्हें किसी यंत्र के सहारे से सांस देती है, और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो ये पूरा का पूरा निर्णय लेते हैं कि अब इस लड़के को यहाँ रखने से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो उसे अगले किसी अस्पताल में भेज दिया जाता है। और उस अस्पताल में जाने के लिए भी उसको हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। तो हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पर उसे ले जाया जाता है और वहाँ उसकी केयर की जाती है। लेखक इस हॉस्पिटल के बारे में लिखते हैं कि ये हॉस्पिटल उनके लिए नया नहीं था, उनके माता पिता जो हैं इससे पहले भी यहाँ आए हुए थे, क्योंकि उनकी जो छोटी बहन थी उससे पहले उसको कोई कैंसर आदि था, तो वो उस समय के लिए वहाँ आए थे और काफ़ी समय रुकने के बाद वो ठीक होकर चली गई थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा परिचय पुस्तक के माध्यम से वो दे रहे हैं, और उसके बाद लेखक अपनी आगे की बातों को बताते हुए कहते हैं कि अच्छा खासा समय लगा, एक लंबा समय लगने के बाद आखिरकार वो उस अस्पताल से ठीक होकर घर जाते हैं, लेकिन साल 2 साल तक उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी रहती है। वो बेसबॉल जो उन्हें खेलना पसंद था वो उससे भी दूर रहते हैं, और अन्य कामों में भी बहुत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं। तो इन नाजुक परिस्थितियों में लेखक ने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे अपडेट किया, ये पुस्तक पूरी की पूरी उस पर केंद्रित है। पुस्तक परिचय में लेखक कहते हैं कि वो बहुत छोटी छोटी आदतें डालकर इस नाजुक परिस्थिति से बाहर आते हैं और बेहतर इंसान बनकर निकल कर आते हैं, एक बहुत ही शानदार इंसान के रूप में निकल कर आते हैं। जो आज ये पुस्तक लिख रहा है उस लाखों लोगों से पढ़ते हैं, और फिर जब वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद उनकी जो चीज़ों के प्रति स्वीकार्यता है अन्य व्यक्तियों की तरह वो नहीं है, इस बात की स्वीकार्यता करके और व्यक्तियों की तरह रात रात भर नहीं जागते, बहुत जल्दी सो जाते हैं, और भी छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने इस पुस्तक में कवर की हैं, तो उनको जब वो अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो एक बेहतर इंसान बनकर सामने आते हैं, और जिस बेसबॉल से वो दूर भागते थे या उनकी नाजुकता की वजह से वो बेसबॉल के खेल से नहीं जुड़ पा रहे थे, अपनी छोटी आदतों की वजह से वो लेखक उन्हें भी अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, और अपने जो कॉलेज में वो गए थे वहाँ के एक कप्तान के रूप में वो उभर कर आते हैं, और अपनी हालत जो है उसमें भी वो छोटी छोटी आदतों की वजह से सुधार कर लेते हैं। तो ऐसी दो तीन बातें हैं लेखक परिचय में, और परिचय में लेखक ने इस बात को भी मेंशन किया है कि वो अपनी छोटी आदतों की वजह से आगे चलकर कैसे एक बड़े क्लब के लिए बेसबॉल खेलते हैं और बड़ा नाम वो कमाते हैं। तो इन सब के पीछे, ये सब बातें होने के पीछे, पूरी की पूरी कहानियों के पीछे अपने आप को बेहतर बनाने में जो महत्वपूर्ण चीज़ वो मानते हैं, तो लेखक उसे कहते हैं अपनी छोटी छोटी आदतें जो उन्होंने अपने जीवन में ढाल ली थी। इस पूरी कहानी में लेखक की इन्हीं छोटी आदतों को बताया गया है, और पूरी पुस्तक में हम समझेंगे कि कैसे लेखक छोटी आदतें डालते हैं और उन्हें हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बहुत छोटी छोटी आदतें हमें बेहतर बनाने में मदद करती हैं, ये सब इस पुस्तक के अध्यायों में हम समझने की कोशिश करेंगे, और एक आगे चलकर छोटी आदतों का बेहतर इंसान बनकर हम निकल कर आएंगे। तो आशा है ये परिचय आपको पुस्तक से जुड़ने में एक सहयोग देगा, और आगे जो हम कहानियाँ एक एक अध्यायों को हम इस पुस्तक में लेंगे तो वो भी आपको समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।